ये कुछ अंदर से इस तरीके से ऑपरेशनल है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, इधर भी आपको पूरा स्पेस मिल रहा है बैठने का, और प्रॉपर ये हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर जिसके अंदर सारा फिट आउट वगैरह हो चुका है, सेटिंग किस तरीके से होगी सारा कुछ ऑर्गेनाइजली यहाँ पे लगा चुके हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी हमारी कार पार्किंग है, आप उधर देखेंगे सारा ये सब कुछ यहाँ पे इजीली आपकी गाड़ियाँ पार्किंग हो सकती है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। पीछे का फ्रेम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक गेस किया है। मैं आ चुका हूँ देविका सदर बाज़ार में, जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुका है। एज यू कैन सी कि इस फ्रेम में आपको पिज़्ज़ा हट का यहाँ पे पीछे बैनर दिख रहा है, पीछे पिज़्ज़ा हट आपको ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि देविका वालों ने कमिटमेंट करी थी कि ग्राउंड फ्लोर पर हमारे फूड कोर्ट आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा फूड कोर्ट आ रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपये की यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 27 लाख रुपये पे 27,000 रुपये आपको यहाँ पे रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है, अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ पीछे का एक बार लोकेशन दिखाएंगे, तो ये पूरा हमारा तांगा स्टैंड हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये हमारा ओल्ड तांगा स्टैंड का रोड है जो कि सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताई है वो हमारी 27 लाख रुपये की होने वाली है। 27 लाख रुपये पर आपको 27,000 रुपये पर मंथ रेंट आना शुरू हो जाएगा। ऑल दो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पिज़्ज़ा हट आपको अंदर से भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं किसी ब्रांड के साथ जुड़ना, तो देविका अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ऑल्सो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप देविका में इन्वेस्टमेंट करिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पिज़्ज़ा हट में इन्वेस्टमेंट करिए जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है। पिज़्ज़ा हट जैसी जगह पर आपको एक स्पेस मिलेगा जिसका आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा डे वन से, हैंड टू हैंड आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही हमारा पूरा होने वाला है। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के साथ देविका वालों ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें देविका ग्रुप आपको -1 -2 पे कार पार्किंग दे रहा है, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे हमारी कार पार्किंग है। सेकेंड थर्ड फ्लोर पर गाड़ियाँ हमारी कार लिफ्ट के थ्रू जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ियाँ जा रही हैं पार्किंग के लिए, तो ये सीधा अब लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके पार्क हो जाएगा। मैं सेकंड फ्लोर पे भी जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी पार्किंग होने वाली है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताया सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपये में यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और जिसपे आपको 27,000 रुपये रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं अंदर पिज़्ज़ा हट के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो ये है हमारा सामने का मेन रोड जो कि ओल्ड तांगा स्टैंड के नाम से हुआ करता था। यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाएगा, राइट जाएंगे तो पूरी सदर बाज़ार की मार्केट आ जाएगी। और ये हमारी मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे गार्ड का एक रूम मिलेगा आपको, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है, पिज़्ज़ा हट उसके साथ बीकानेर वाला आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर हमारा पूरा इश्तिहार करके एक हमारा मल्टी ब्रांड जो लेके आ रहा है उसके अंदर आ रहे हैं सारे फूड कोर्ट्स छोटे छोटे, और वो वाला पूरा पार्ट हमारा बीकानेर वालों को जाएगा। तो ये है, एक बार मैं आपको पिज़्ज़ा हट अंदर से भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये हमारा पिज़्ज़ा हट ऑपरेशनल है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आके खाना शुरू कर चुके हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा है। तो ये कुछ अंदर से इस तरीके से ऑपरेशनल है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, इधर भी आपको पूरा स्पेस मिल रहा है बैठने का, और प्रॉपर ये हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे लोग खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा पिज़्ज़ा हट अंदर से, और एक बार मैं आपको यहाँ की कार लिफ्ट दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी यहाँ की कार, और सामने आपको यहाँ पे लिफ्ट मिल रहा है, तो ये गाड़ी वेटिंग पे है, लिफ्ट अभी ऊपर से वो खाली होके आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये लिफ्ट वाला पार्ट है, तो हम लोग स्टेयर से चलते हैं और ऊपर का सारा कुछ देख लेते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमारे मल्टी ब्रांड्स आने वाले हैं फूड कोर्ट्स के, और ऑलरेडी यहाँ पे फिट आउट वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप जैसा देख सकते हैं चारों तरफ, आप एक बार देखेंगे चारों तरफ तो सारा काम हमारा चल रहा है, ब्रांड्स के यहाँ पे नाम वगैरह लगना शुरू हो चुके हैं। तो एज सून एज पॉसिबल ये हमारा फर्स्ट फ्लोर भी ऑपरेशनल है। ऑल्दो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का दिखाया कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारा पिज़्ज़ा हट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, कार पार्किंग वगैरह यहाँ पे सारी कुछ ऑपरेशनल हो चुकी है, लिफ्ट कार पार्किंग वगैरह सब कुछ इसमें है, और ये सारा यहाँ पे फूड कोर्ट हमारा होने वाला है।
एक बार मैं आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ इसका। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, जिसके अंदर सारा फिट आउट वगैरह हो चुका है, सेटिंग किस तरीके से होगी सारा कुछ ऑर्गेनाइजली यहाँ पे लगा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी है, और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे फूड कोर्ट्स आने वाले हैं, जो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स आपको दिख जाएंगे। कौन कौन से ब्रांड आ रहे हैं, कैसे कैसे ब्रांड आ रहे हैं, वो सारा मैं आपको ऑन कॉल बता पाऊँगा। तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट अब तो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले कुछ क्लाइंट ऐसे थे हमारे पास जिनको थोड़ा सा डाउट था कि ये मॉल बन के रेडी, फूड कोर्ट हमारा बन के रेडी होगा कि नहीं होगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम अपना पैसा इसमें लगाएं ना लगाएं। बट अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब आप इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। और देविका ग्रुप के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, चारों मतलब पूरे ऑल ओवर दिल्ली NCR के अंदर काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। तो ये है हमारा फूड कोर्ट, और एक बार यहाँ से बाहर का व्यू दिखाऊँ, तो ये हमारा बाहर का कुछ व्यू होने वाला है सदर बाज़ार का। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे मतलब चलता हुआ रोड है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है हमेशा, फुटफॉल बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हमारी गाड़ियाँ इन होंगी और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ एग्ज़िट होने वाली हैं, तो काफ़ी अच्छी हमारी ये इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। चलते हैं एक बार, मैं आपको सेकंड फ्लोर पे ले जाता हूँ और वहाँ की एक बार पार्किंग वगैरह आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली हम लोग अपने सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जो कि देविका ग्रुप ने कमिटमेंट करी थी कि आपकी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर आपका पूरा पार्किंग होने वाला है। और मैंने एक लिफ्ट आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर कार लिफ्ट भी बनी हुई है, तो एक बार मैं आपको अंदर ले कर चलता हूँ और एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारी पार्किंग होने वाली है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी हमारी कार पार्किंग है, आप उधर देखेंगे सारा ये सब कुछ यहाँ पे इजीली आपकी गाड़ियाँ पार्किंग हो सकती है। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे लेके नहीं जा रहा हूँ, वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको नीचे पिज़्ज़ा हट दिखाया, आपको मैंने फूड कोर्ट दिखाया फर्स्ट फ्लोर पे कि किस तरीके से हमारा फूड कोर्ट बना हुआ है, अंदर से सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सारी गाड़ियाँ आप देखो यहाँ पर कितनी अच्छी से ऑर्गेनाइज होकर यहाँ पर पार्क हो रखी है। और ये है दरवाज़ा, वो लिफ्ट वाला, ये वो दरवाज़ा लिफ्ट का, यहाँ से ईज़िली आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी। और इमरजेंसी में जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है कोई फायर का, तो सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो ऊपर बना हुआ है। तो ओवरऑल ये था हमारा देविका सदर बाज़ार का क्विक अपडेट। जिन जिन लोगों ने देविका सदर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उनको इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिल चुका है। तो अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक टाइम है फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स का। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7 डेज़ में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। बाहर की लोकेशन, बाहर का फुटफॉल वगैरह मैंने सारा कुछ आपको दिखाया। मंथली रेंटल इनकम इसमें बहुत अच्छा आपको अभी भी मिलेगा, और उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग का भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि 2 साल बाद आपका रेवेन्यू शेयरिंग पे आ जाएगा ये मॉडल। तो काफ़ी अच्छी ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। प्रॉपर्टी जो हमारी है देविका ग्रुप वालों की है, देविका सदर बाज़ार के नाम से, लोकेशन मैंने बताया ओल्ड तांगा स्टैंड पर ये हमारी लोकेटेड है। और पब्लिक की यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकता है, थोड़ा सा उसको नॉमिनल सा पार्किंग का चार्ज देना पड़ेगा। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे थे फ्लैट गैलरी व्लॉग्स का बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।